अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आज ईयर का लास्ट डेट है तो आप लोग क्या सोचोगे? मैं बताता हूं, 50% ऑफ यू गाइस विल थिंक के लास्ट डेट मतलब 31st दिसंबर है, लेट नाइट पार्टी होगी, सुबह लेट उठेंगे, ऑफिस की भी छुट्टी है एंड सो ऑन। बट 50% ऑफ माई फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं वो ये सोचेंगे कि अरे यार आज 31st मार्च है, इसका मतलब लेट नाइट सीटिंग होगी, अकाउंट्स क्लोज करना है, स्टॉक रिकनसाइल करना है एंड सो ऑन। बट क्या आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च को ही क्यों क्लोज होता है? इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर तो नहीं है, बट इसके पीछे तीन थियरीज है। लेट्स डिस्कस दैट। थियरी नंबर वन, ब्रिटेन में जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है दैट इज अप्रैल टू मार्च, और इंडिया को ब्रिटिशर्स ने 150 ईयर्स के लिए रूल किया था, तो ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश का फाइनेंशियल ईयर है वो उन लोग ने इंडिया में भी अप्लाई कर दिया और इंडिया वही फॉलो कर रहा है। हाउएवर जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर चेंज क्यों नहीं किया? एंड दिस गिव राइज टू थियरी नंबर टू एंड थ्री। थियरी नंबर टू, इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज था एंड इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ GDP भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी बजट या पॉलिसी फ्रेम करना था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रख के करना जरूरी था। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो मॉनसून बेस्ड है, इसका मतलब मई जून जुलाई में सोइंग एक्टिविटी चलती है, जुलाई से सितंबर में मॉनसून रहता है एंड अक्टूबर टू मार्च में हार्वेस्टिंग सीजन रहता है। सो हार्वेस्टिंग एक्टिविटी अराउंड फेब टू मार्च में खत्म हो जाती है एंड गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल हो जाता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बना सकता है एंड दैट इज वाई इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च को एंड होता है टू कोइंसाइड विद इंडियन क्रॉप साइकिल। एंड द थर्ड एंड लास्ट थियरी इज जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है वो हिंदू न्यू ईयर दैट इज विक्रम संवत के साथ कोइंसाइड करता है। विक्रम संवत इंडिया में एक ऑस्पिशियस डे माना जाता है जो नॉर्मली मार्च एंड से अप्रैल बिगनिंग में फॉल करता है एंड दैट इज वाई इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल से स्टार्ट होता है। तीनों थियरी में से आपको कौन सी थियरी ज्यादा रेलेवेंट लगती है प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट।